हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने 30 मार्च को मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अनअकैडमी के बारे में कुछ बताया था कि मेरी कुछ पेमेंट रुकी हुई थी, वो नहीं आई थी। तो साथियों, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, फेब मंथ में मैंने कुछ रेफरल्स दिए थे और जिनका अराउंड 38,000 पेमेंट थी वो रुकी हुई थी। उसमें मेरी भी गलती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद मतलब मैं टर्म्स कंडीशन थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं कर पाया, उनको देख नहीं पाया। इसके बाद तो मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाया था, लेकिन वीडियो बनने के बाद 30 मार्च को ही मेरे पास इवनिंग में वहाँ से कॉल आई उनके जो सीनियर्स थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी और मुझे भरोसा दिलाया कि आप वीडियो को हाइड कर लीजिए और आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। और उनसे बात करके रियली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी और बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को समझा। और उन्होंने ये भी बोला कि सर आपकी गलती है, मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी, हाँ कि मेरी गलती है। और इसके बाद 31 मार्च को संडे था तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम मंडे को आपका सॉल्यूशन कर देंगे, और मंडे को मॉर्निंग में ही उनके मैसेज आए और उन्होंने अच्छे से बात करी फिर, और उन्होंने कहा कि 2 बजे तक हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। और मैंने उनसे ये भी बोल दिया कि जो मेरा बोनस का 10,000 है वो आप काट लीजिए, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें दोबारा चेक करके इसके बाद 36,000, क्योंकि 13 रेफरल्स उसमें वैलिड थे, एक में कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से वो वैलिड नहीं हो पाया, तो 36,000 जो पेमेंट थी उन्होंने 1 तारीख को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद जो अमाउंट था आज मतलब 4 अप्रैल 2019 आज वो अमाउंट आ चुका है 36,000। तो बहुत अच्छे से सीनियर्स ने बात करी तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, अगर आप लोग भी वर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और जो छोटी मोटी कुछ बात थी उसके लिए मैं भी मतलब मैंने भी उनसे बात करी कि हाँ मैं भी गलत था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया होगा वीडियो में कि कुछ मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, लेकिन वर्क इतना ज़्यादा किया तो दुख हुआ। और इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और सबसे अच्छी बात है कि 2 दिन के अंदर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो सीनियर्स जो भी थे, रवि का मैम और जो भी हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उन चीज़ों के लिए, और उम्मीद यही है कि भविष्य में ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले। तो साथियों, अभी ये अपडेट है आप लोगों के लिए क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, और पर्सनली कॉल भी आई थी मेरे पास कि सर क्या सॉल्यूशन हुआ आप लोगों का। तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और भविष्य में अच्छे से उनके साथ जुड़े रहेंगे, और उम्मीद यही कि भविष्य में ऐसी कोई ज़रूरत भी ना पड़ेगी और अच्छे से काम करेंगे। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।